प्रकार अनेक हजारों लोगों के उन्होंने स्वप्न लेकर के ये प्रस्थापित किया कि हमारे अंदर एक शक्ति है जो अचेतन में बैठी हुई है, अनकॉन्शियस, लेकिन वो सर्वव्यापी शक्ति है। थोड़ा थोड़ा उन्हें सीखा गए, अंधेरे में टटोलने वाले कहां तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ तो उनको मिल गई बात कि ऐसी कोई सर्वव्यापी शक्ति है जो सोचती है, समझती है और हमारे अंदर संतुलन देती है और हमें सही रास्ते पर चलना सिखाती है। यूनिवर्सल अनकॉन्शियस करके उन्होंने बात। लेकिन देखिए मनुष्य का दिमाग कितना उल्टा है। अगर आप फ्रॉइड को पढ़े उसके बाद यूंग को पढ़े तो आप फ्रॉइड को उठा के समुन्द्र में फेंक देंगे कि ये बहुत ही एकांकी बिल्कुल बेकार चीज है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जितने भी पाश्चिमात्य देश हैं, वेस्टर्न लोग हैं, इन्होंने फ्रॉइड को माना, यूंग को बिल्कुल नहीं माना। सारे लंदन शहर में सिर्फ 25 यूंग के लोग हैं और हजारों फ्रॉइड के चेले वहां बैठे हुए हैं और हजारों लोग उसके रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि जब आप उनसे कुछ भी वाद विवाद करें तो कह नहीं सकते कि वो क्यों फ्रॉइड के पीछे पड़ गए और उसकी प्रणाली उन्होंने क्यों ली, जबकि इसे सिद्ध करके दिखा दिया। ये मनुष्य का दिमाग इतना उल्टा और चौपट बैठ गया है कि जो असत्य है उसे वो पहले पकड़ता है और जो सत्य है उसे भागता है। वो ये नहीं जानता कि सत्य ही सारा सुख का साधन है और सत्य से ही आपका आनंद प्रस्थापित हो सकता है और किसी भी झूठे चीज के पीछे लगने से अंत में आप अत्यंत हानि पर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, आपका जो अंतिम लक्ष्य है जिसके कारण आपकी उत्क्रांति होने वाली है, जिसके कारण आप में आत्म साक्षात्कार होने वाला है, वो चीज आपसे वंचित हो जाएगी, आप उससे हट जाएंगे। ये जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है इसके बारे में मैं आपसे आज बताने वाली हूं। ये सुषुम्ना नाड़ी के बराबर नीचे आप देखिए त्रिकोणाकार अस्थि जो हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे में है उसमें कुंडलिनी स्थित है। ये एक शक्ति हमारे अंदर है जो कि सारे बच्चे की को फीटस कहते हैं या जाइगोट कहते हैं, उसे बनाकर बची हुई शक्ति इसके अंदर स्थित है। इसीलिए इसे रेसिडुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये बची हुई शक्ति इसमें आकर के 3.5 घेरे में बैठी है। अब वो क्यों 3.5 है ये भी बड़ा भारी गणित है, उसका भी बड़ा भारी गणित है। अगर आप अपने ऑटोमेटिक वॉच को देखें तो उसमें भी 3.5 ही वलय में ऑटोमेटिक वॉच बिठाया गया है जो कि हमेशा चलते रहता है। ये जो शक्ति यहां स्थित है इसमें हमारा जो कुछ गत है, जो गलतियां हमने की, जो पुण्य हमने जोड़े, जिस रास्ते से हम गुजरते गए हैं उसके जितने भी मूल्यवान और जितने ही हानिकारक अनुभव हुए हैं सब इसके अंदर टेप रिकॉर्ड के जैसे रिकॉर्डेड। यह शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। अगर मैं कहूं कि यह शक्ति त्रिकोणाकार में रहती है तो आप किसी की किताब पढ़ लीजिए, कोई कहता पेट में रहती है, कोई कहता सर में रहती है, कोई कहती यहां रहती है। कल जो लोग यहां पर आए थे उनमें से कुछ लोगों ने देखा होगा कि यह कुंडलिनी यहां स्पंदित होती है त्रिकोणाकार अस्थि। इस वक्त कुछ लोग मेरे पैर पे आए थे तो उनकी ये त्रिकोणाकार अस्थि स्पंदित होने लगे जैसे कि कोई वहां हाट आ गया। अनेक लोग इस प्रकार देख चुके हैं, लंदन में भी बहुत लोगों ने देखा है, इसके फोटोग्राफ भी लिए हैं, इसकी रील भी बनाई है। बहुतों ने इस चीज को देखा है कि यहां पर इस त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है। सबसे प्रथम सब में नहीं होता। अगर समझ लीजिए आप बहुत ही बढ़िया इंसान है, कल एक थे यहाँ आए थे चंदन सिंह करके पौड़ी के रहने वाले, वो खट से पार हो गए एक क्षण। जब वो एक क्षण में हो जाते हैं तो उसका स्पंदन होना आदि वगैरह सब खत्म हो जाता है एक क्षण में। इतनी जल्दी गति करती है कि वो दिखाई ही नहीं देता कि कहाँ वो स्पंदन किया, कहाँ चला गया। पर ऐसे बहुत ही बिरले लोग होते हैं, अधिकतर लोगों का स्पंदन दिखाई देता, विशेषकर जिन लोगों का नाभि चक्र जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं ये पकड़ा हुआ होता है, उस वक्त कुंडलिनी धक्का मारती है
और आपको दिखाई देती है कि कुंडली यहाँ पर त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित हो रही। वैसे भी अगर आप बुद्धि लगाएं तो सोचे कि जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है वो क्या पेट में रखी जाएगी जहां बार बार धक्के पड़ते हैं? ऐसी जगह रीढ़ की हड्डी में रखी जाएगी जहां वो सुरक्षित रहे और जिसके बाद कोई सा भी ऐसा उसमें से तंतु ना निकल पाए जिसके कारण वो दुख उठाए। और वो चीज हमारे यहाँ त्रिकोणाकार अस्थि बने। दूसरी बात ऐसी भी सोचनी चाहिए कि त्रिकोणाकार अस्थि हमारे अंदर क्यों बनाई। साइंस में कोई ये नहीं पूछता कि ये क्यों है, पृथ्वी के अंदर में ऐसी शक्ति क्यों है जो हमें आकर्षण करती है। ये सवाल साइंस में पूछने का अधिकार नहीं है कि आप पूछे क्यों। कार्बन के चार हाथ हैं, क्यों है? हाइड्रोजन के दो हैं तो क्यों है? इसका उत्तर सिर्फ सहयोग में दे सकते हैं आप। इसका उत्तर साइंटिस्ट से साइंटिस्ट को ले आइए, वो कहेंगे है तो है, वही हम बता रहे हैं। माने जो कुछ विदित है वो बता रहे हैं, लेकिन जो विदित नहीं वो नहीं बता पाते। किसी चीज का कारण वो नहीं बता सकते। इसका कारण ये है कि इसका कारण सूक्ष्म है और सूक्ष्म में वो इस इंसान की जो चेतना है उससे उतर नहीं। इस इंसान की जो चेतना है वो इतनी सूक्ष्म नहीं हुई कि उस सूक्ष्म को पकड़ ले जो इसका कारण है। मनुष्य को थोड़ा सा और सूक्ष्म होना है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में आप कोई चीज को देखते हैं तो वो माइक्रोस्कोप के बगैर आप नहीं ही देख सकते। देखने को सब ऐसी ही चीज दिखाई देती है। आपकी आंख को उस सूक्ष्मता दर्शक यंत्र को इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको उपयोग में लाना पड़ता है कि आप उस सूक्ष्म तक पहुंचे जहां से उसको देख सके। उसी प्रकार हमारी चेतना की जब तक वो सूक्ष्मता नहीं आती तब तक आप इस सूक्ष्म को जान नहीं सकते। इसीलिए मैं जो कल कह रही थी कि आपको पार होना होगा। ये जो त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी बैठी हुई है ये आपकी स्वयं मां। हर इंसान की अपनी कुंडलिनी अलग होती है। वो सिर्फ उसी इंसान की कुंडलिनी होती है। वो हर समय उसके साथ रहती है, चाहे वो मृत्यु पर हो, चाहे वो मरा हुआ हो, चाहे वो जिंदा, सिर्फ उसके स्थान बदलते हैं। ये कुंडलिनी आप जब से अमीबा थे तब से जिस जिस रूप में रहती रही आज इस रूप में आपके अंदर आकर्षित हुई है और ये वहां बैठी हुई इंतजार कर रही है उस दिन का कि इसका अधिकारी जब सामने आए तो ये उठ करके आपका पुनर्जन्म करे। यही कुंडलिनी आपको पुनर्जन्म देते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि आप द्विज हैं। आपका जन्म दो बार हुआ। पहले आप अंडे थे और अंडे से आप मुर्गी जैसे हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पक्षी को भी कहा जाता है कि वो द्विज है, जो दो बार जन्म पाए वो द्विज कहते हैं। वही ब्राह्मण होता जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म उसी सूक्ष्म शक्ति का नाम है जिसकी मैं बात कर रही हूं, वो ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचता कि जन्म से वो ब्राह्मण है तो वो गलत फहमी में है। किसी ने मुझसे यहां तक कहा, मैंने गीता उता पढ़ी नहीं है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि गीता में लिखा है माता जी क्या आप जन्म से ब्राह्मण होते। मैंने कहा कैसे हो सकता है, जिसने लिखा वो कौन था या किसका लड़का था, उसकी माँ कौन थी, उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। जब उसने ऐसा लिख दिया तो औरों का क्या कहना जो ऐसा पढ़ते। वो ऐसा कभी लिख ही नहीं कर सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था। वो झूठ बात क्यों लिखेगा। इस तरह से बहुत से लोग अपने को सोचते थे कि हम ब्राह्मण हो गए, अति उच्च हो गए। जिसने ब्रह्म को खोजा वही ब्राह्मण होता है और जो ब्रह्म के और नजर रखता है वही इस योग्य होता है जिसे पूजा जाए और बड़ा किया जाए, उसी को लोग संत कहकर पुकारते हैं। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।